कहते हैं हमको कोई थोड़ी वोट देता है, मोदी जी को वोट देता है। अपने आप को खुद नालायक कह रहे हैं कि किसी काम के नहीं है, बड़का भारी नालायक है। इस बार स्थानीय मुद्दे पे होगा, हम मोदी जी को क्या देखेंगे, ऊपर देख के क्या वोट देंगे। मोदी जी नीचे गरीब के देखबे नहीं करते तो गरीब ऊपर का देखेगा। बेतिया से तीनों भूमिहार जाति के MLC हमने बनाने का काम किया। सब लोगों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। जो बेटी अपने पिता को किडनी दे सकती है, अगर आप लोग सांसद बनाओगे तो आपके लिए जान देने के लिए वो तैयार है। आप लोग ताकत दीजिए, आप लोग मालिक हैं। और हम लोग इस बार BJP को भगाने का काम करें और छपरा सारण से लालटेन जलाने का काम करें। हम तो कहते हैं BJP महंगाई की माँ है और बेरोजगारी का बाप है। लालू जी ने राहुल गांधी जी से, मुकेश सहनी जी से, लेफ्ट के सभी नेताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से बात किया और बात करने के बाद सभी लोगों के मांग थी कि लालू जी आप अपने परिवार में से सारण से खड़ा कीजिए, ये आपकी कर्मभूमि है। भिखारी ठाकुर जी की JP जी की कर्मभूमि है और आपके परिवार से खड़ा होंगे तब हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। तो सब लोगों का निर्णय हुआ और लालू जी ने SP जो मेरी बहन है रोहिणी आचार्य, उनको टिकट देने का काम किया। आजकल तो भाई भाई नहीं रहा, अपना संपत्ति घड़वे में सब लोग लड़ता है संपत्ति के लिए। शरीर का किडनी तो देना दूर की बात है, कोई संपत्ति का टुकड़ा नहीं दे सकता। हमारी बहन ने अपने पिता को किडनी दान किया, जीवन दान दिया। हम मरोरा की जनता को इतना कह सकते, जो बेटी अपने पिता को किडनी दे सकती है, अगर आप लोग सांसद बनाओगे तो आपके लिए जान देने के लिए वो तैयार है। बाल बच्चों को पढ़ा लिया, उनके बाल बच्चे बड़े हो गए। जब से हमारी बहन का नाम घोषित हुआ है तब से उस सारण छोड़ के पटना नहीं गई है। दिन रात आप लोगों के बीच सारण में रहने का काम किया, रात रात भर आप लोगों के बीच रही। और मुझे पूरा विश्वास है आप चुनाव जिताइएगा तो आप जैसे अपने पिता का उन्होंने सेवा किया, यहाँ हर एक एक बुजुर्ग का अपना माँ बाप समझ के, वो भाई समझ के वो सेवा करने का काम करेगी। तरक्की की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन है, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा दिया, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, तालमी मरकज, विकास में टोला सेवक, सभी शिक्षा मित्र के इनके मानदेय को हमने दुगुना करने का काम किया। हम सब लोग ने रोड दिया, पुलिया दिया, गोपालगंज में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज दिया, ट्रॉमा सेंटर दिया, सारा काम कर रहे थे। तो चाचा जी पलटा कहे या कहे कि भाजपा वाला हाईजैक कर लिया। अब भाजपा वाला हाईजैक कर लिया, लेकिन हम जानते हैं कि उनका शरीर वहां है लेकिन मन यहां है। हम लोग का पूरा सम्मान है, सम्मान करते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये झूठों का पार्टी, भारतीय पार्टी, BJP का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। हम तो कहते हैं BJP महंगाई की माँ है और बेरोजगारी का बाप है। एक शब्द गरीबी का गौ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री महंगाई का माँ नहीं बोलते, बेरोजगारी का बा नहीं बोलते, काम की बात नहीं करते, नफरत की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं। हमको झूठा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको परिवर्तन चाहिए और जो काम करके दिखाया वैसी सरकार चुनेंगे। आप लोग रोहिणी आचार्य जी को 3 नंबर पर EVM क्रम मांग संख्या 3 नंबर है, लालटेन पर बटन दबा करके इस बार सारण की जनता परिवर्तन करने का काम करेगी। और रूडी जी तो खुद ही कहते हैं हमको कोई थोड़ी वोट देता है, मोदी जी को वोट देता है। अपने आप को खुद नालायक कह रहे हैं कि किसी काम के नहीं है, बड़का भारी नालायक है।
इस बार स्थानीय मुद्दे पे होगा। मोदी जी को क्या देखेंगे, ऊपर देख के क्या वोट देंगे? मोदी जी नीचे गरीब के देखभे नहीं करते तो गरीब ऊपर क्या देखेगा? गैस सिलेंडर कर दिया पालो, हमारी सरकार बनेगी। राहुल जी आए थे, हम लोगों ने तय किया कि 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, 4 साल के प्रथा को खत्म किया जाएगा जो ठेकेदारी पे चल रहा है। पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही सेना में बहाली होगा। 500 रुपया गैस का कर देंगे, सिलेंडर का कर देंगे, जो आज 1400 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। ये सारा गरीब परिवार, सुनो, अपनी बहनों को जाके बोलना, अपनी माताओं को बोलना कि राहुल जी लालू जी का सरकार बनेगा तो गरीब परिवार की बहन के 1 लाख रुपया हर साल हम लोग देने का काम करेंगे, यानी 8,333 रुपया महीना गरीब परिवार के बहन के हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, ताकि हमारी बहनों के साथ आर्थिक न्याय हो सके। और यही नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, 10 किलो अनाज हम लोग देंगे, 10 किलो अनाज देंगे। ये सारा काम करेंगे। मढ़ौरा तो हम आते जाते रहे, अभी फिलहाल ही हम लोग जन विश्वास यात्रा में, शायद इसी मैदान में हम लोग आए थे। आप सब लोगों का आशीर्वाद समर्थन मिला है, इसलिए आप लोग ताकत दीजिए, आप लोग मालिक हैं। और हम लोग इस बार बीजेपी को भगाने का काम करें और छपरा सारण से लालटेन जलाने का काम करें। तो आप लोग चुपचाप आवाज आना चाहिए, चुपचाप हम लोग हर समाज के लोगों को साथ लेके चलेंगे। हम लोगों ने अगड़ों को भी टिकट दिया, पिछड़ों को भी दिया, अल्पसंख्यक को भी दिया, अति पिछड़ों को भी दिया, महादलित भाइयों को भी दिया। आज देखिएगा बगल में अखिलेश जी के बेटे महाराजगंज से लड़ रहे हैं, मुन्ना शुक्ला वैशाली से लड़ रहे हैं, मास्टर कार्तिक हैं, हमारे अजय सिंह जी हैं, और ये हमारे सौरभ हैं, बेतिया से तीनों भूमिहार जाति के MLC हमने बनाने का काम किया। सब लोगों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। उर्मिला ठाकुर जी नाई की बेटी हैं, इनको MLC बनाया। मुन्नी रजक अभी वहां अमनौर में थी, रजक परिवार की थी, उनको हम लोगों ने MLC बनाया। मुसार परिवार के नामलिक सदा जी हैं, इनको हम लोगों ने विधायक बनाया। कारी सोहेब जी को हम लोगों ने MLC बनाने का काम किया। हर लोग है यहाँ, पिछड़ा अगड़ा, ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तो कम समय है, हमको इजाजत दीजिए, लेकिन एक काम कीजिएगा, सब लोग एक काम जरूर, हाथ उठा के बताइए, एक काम जरूर करना कि अति पिछड़ा समाज में अगड़ों के यहाँ, दलितों के यहाँ, मुसलमान भाइयों के यहाँ आप लोग जाइए, उनसे दोस्ती कीजिए, उनको गले से लगाइए, सम्मान दीजिए, जोड़ने का काम कीजिए। जोड़िए जरा, जिस दिन जोड़ लीजिएगा केंद्र में तो अपना सरकार बनेगा, आपका भाई बेटा तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। तो चुपचाप मढ़ौरा की जनता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय बिहार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।